तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। कविता फिलहाल दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले 4 अप्रैल को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। के कविता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, कोर्ट में सिर्फ जमानत के लिए बहस हुई। कविता के 16 साल के बेटे के एग्जाम अप्रैल में शुरू होने वाले हैं। ऐसे में उनके बेटे को मां के सपोर्ट की जरूरत है। मां की कमी को न तो भाई और न ही पिता पूरे कर सकता है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।